था कि कुछ और भी स्टॉक्स थे जहां पर कि दबाव देखने को मिला, और इसमें से एक था यस बैंक। भारी गिरावट आज देखने को मिली है, अब इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए। जी हाँ, अपने रिजल्ट्स के बाद यस बैंक आज प्रेशर के अंडर है। जब हम देखें तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक है कि उनका जो प्रोविजंस है काफ़ी एलिवेटेड आया, 45% जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग में, 850 करोड़ के आसपास वो प्रोविजनिंग का नंबर, जिसकी वजह से पैट एब्सोल्यूट बीट हो गया है। 50 करोड़ का पैट आया है, जो कि डाउन ऑलमोस्ट 81% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो पैट का नंबर। सो वो है वजह नंबर एक। दूसरी वजह ये है कि येस बैंक ने अपने 81 के बॉन्ड्स FY20 में, विच इज़ मार्च 2020 में, राइट ऑफ किए थे। उसके रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे उन्होंने राइट ऑफ लिया था 8,415 करोड़ की लायबिलिटी 81 के परपेचुअल बॉन्ड्स पे। अब उसके बाद मल्टीपल रिट पिटिशंस फाइल हुए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हुए, ये राइट डाउन को चैलेंज करते हुए, और बैंक ने और अभी हमने देखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रिवर्स किया है। बैंक को बताया है कि ये जो राइट ऑफ किया है उसको रिवर्स करे, जिसके वजह से यू नो स्टॉक प्रेशर में आया है। अब हमें बताया गया है कि ये परपेचुअल बॉन्ड्स है जो डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक पे रीपे होते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो CET1 पे इम्पैक्ट होगा। 81 गोइंग अप, उसका मतलब होगा कि 3% CET1 डिक्लाइन होगा और 81 3% से बढ़ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, और यू नो लार्जली वही इम्पैक्ट होगा, वो हमें मैनेजमेंट ने एक तसल्ली दी है, एक अश्योरेंस दिया है।